बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इस समय गणपति जी, तो मैं बस गणपति जी के दर्शन करने जा रही हूँ। शाम का टाइम है, 9 बजे। सो नेक्स्ट वीक गणपति जी का। ये आवाज़ें नीचे आ रही है, यहाँ पर लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो अभी हम होंगे फ्रेश, इसके बाद चलेंगे मंदिर भगवान जी के दर्शन करने। आज बहुत ही बड़ा दिन है, गणेश चतुर्थी है आज, तो कभी कभी तो चले जाना चाहिए मंदिर में। अक्सर तो पूजा पाठ घर पे होता रहता है। और हमारी सोसाइटी में मैंने आपको कल रात को बता दिया था, गणेश जी को यहाँ पर लाया था, बहुत ही सुंदर मूर्ति है उनकी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर अपने सोसाइटी में गणेश जी देख रही हूँ, पिछली बार मैं अपने होम टाउन में थी। सो इस बार इंजॉय करेंगे गणेश चतुर्थी के महोत्सव को फुल ऑन। तो यहाँ पर 11 से 12 बजे के बीच का शुभ मुहूर्त बताया गया है, तो सबके साथ यहाँ पर आरती में इकट्ठा होंगे। तो फिर मिलते हैं आरती में, मंदिर से आकर करेंगे ब्रेकफास्ट और अपना काम फटाफट से निपटाएंगे। तो चलेंगे फिर यहाँ पर नीचे सोसाइटी में। सो बने रहना मेरे साथ इस ब्लॉग में, कभी कभी ब्लॉग कर लेते हैं हम भी, तो इस ब्लॉग में आप भी इंजॉय करें हमारे सोसाइटी के गणपति, सुंदर जी गणपति जी को। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एवरीवन। हे गाइस, सो अभी इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, मैं कब मंदिर जाऊँगी, बिकॉज मेरा बेबी उठ गया है और उसके पापा जो हैं थोड़ा बिजी हैं, तो वो जैसे ही फ्री होंगे, मतलब वो फ्रेशन अप हो रहे हैं, तो अभी मैं इस फ्री टाइम में ब्रेकफास्ट मेरा बन गया है। सो ब्रेकफास्ट बनते ही अभी मैं निकलूँगी मंदिर। सो मिलते हैं मंदिर जाकर, मंदिर में फ़ोन नहीं लेकर जाऊँगी। सो आकर मिलते हैं सीधा आरती में। तो यहाँ पर मैंने सब्जी चढ़ा दी, आप देखेंगे इसके पापा, और यहाँ पर रायते के लिए घिया बॉयल होने के लिए रख दिया। तो हम चलते हैं मंदिर, अकेले ही जा रही हूँ मंदिर। बच्चा अभी उठा है, उसको थोड़ा फ्रेशन अप होने में टाइम लग जाएगा, और हस्बैंड बोले कि मैं इसके पास रहता हूँ, तुम जाओ होकर आ जाओ। सो आई एम गोइंग। मतलब अपने फ्लैट में, बच्चा
पापा के पास छोड़ के आई हूँ, तो अभी उसका फील्डिंग का टाइम है, सो अभी पता नहीं कितना लंबा और प्रोग्राम चलेगा। सो देखते हैं शाम को, अगर यहाँ पर प्रोग्राम आया तो प्रोग्राम हुआ तो वो भी शूट करेंगे। सो मिलते हैं शाम को या फिर ब्लॉग को यहीं एंड कर देंगे। हे गाइस, सो इट्स 6 PM इन द इवनिंग, तो अभी चल रहा है नीचे कीर्तन, आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी डॉटर के साथ, शैतान डॉक्टर के साथ। तो अभी फिर से करते हैं गणेश जी के दर्शन, शाम के दर्शन, और अपने बच्चे को भी माथा टिकवाएंगे। वो अभी तक एक बार भी नहीं गई है, बस मतलब उसका अभी खेलने का टाइम है, और नीचे जाकर बिल्कुल ही हाथ से मतलब छोड़ दो और बिल्कुल फ्रीली घूमना है, भागना है, घूम मतलब चलना नहीं है, शी डोंट वॉन्ट टू वॉक, बस उसे भागना है, तेज़ तेज़ भागना है, और मुझे भी दौड़ाती है अपने पीछे और मेरी सांस एकदम से फूल जाती है। सो चलिए फिर नीचे जाकर मिलते हैं आप सबसे, रात का पता नहीं क्या प्रोग्राम होगा यहाँ पर, तो फिलहाल तो अभी चलते हैं। हाय, हाय बोलती, हाय, क्या कर रहे मैदान मिला है यहाँ खेलने के लिए, हम भी वॉकिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, इवनिंग वॉकिंग। ये मामिका, ये गाइस, वी आर बैक एट होम। बोलो, हमने बहुत सारा खेला, बहुत सारी वॉकिंग की, थैंक गॉड आज ये भागी नहीं है, आज आराम से चल रही थी, और खूब सारे झूले भी लिए है ना। हाय बोल दो सबको, हाय हाय, बस बस हाय। तो हम अभी फिर वापस आ गए हैं घर, क्योंकि अभी संध्या आरती होनी है और 7 बज गए हैं, कह रहे थे 7:30 या 8 के भी तो आरती होगी, तो थोड़ा लेट हो जाएगा, डिनर भी बनाना है, और उसके बाद कह रहे हैं इवनिंग में यहाँ तंबोला भी खेला जाएगा, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चलेगा, 10-10:30 बजे तक, जब तक कोई जीतेगा नहीं। तो हम तो भाई आ गए घर, और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, गणेश चतुर्थी थी, और सबको हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको भी, और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बहुत ही अच्छी वाइब रही आज की। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आपके साथ अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई नए सजेशन हैं, नए मतलब क्या सजेशन हैं, तो आप मुझे दे सकते हैं। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड विद मी।